सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से ताऊन के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक अजाब है जिसे अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहते हैं भेज देते हैं और अल्लाह ताला ने उसको मोमिनीन के लिए रहमत बनाया है, और जो शख्स ताऊन में मुब्तला हो और फिर वो अपने शहर में सबर और सवाब की नियत से इस यकीन के साथ खड़ा रहे कि इसको वही चीज पहुंचेगी जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकद्दर फरमाई है, तो ये ताऊन उसके लिए शहीद के सवाब के बराबर होगी। बहवाला सही बुखारी जिल्द 2 सफा नंबर 494। तर्क जमात जुमा पतन नाजायज। तिबी माहिरीन की तदाबीर पर अमल करना ना शरीयत के खिलाफ है और ना ही तवक्कल के मुनाफी है, लेकिन इन तदाबीर पर इसी दर्जे का अमल करना चाहिए कि शरीयत पामाल ना हो, ना ही जमात तर्क हो और ना ही जुम्मा छूटे। पूरी इस्लामी तारीख में ताऊन के जमाने में जमात और जुम्मे के तर्क की इजाजत नहीं दी गई। इस किस्म के मरीज को मस्जिद आने की ममानियत तो अहादीस में आई है, लेकिन सेहतमंद लोगों को तर्क जमात जुम्मा की इजाजत बिल्कुल नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जमाने मुबारक में सल्लू फी रिहालिकुम यानी घरों में नमाज पढ़ने का हुक्म एक खास मौके पर दिया गया था जब सर्दी सख्त थी और बारिश काफी ज्यादा थी। इस जमाने में चूंकि सर्दी और बारिश से बचने के इंतजाम ना थे और रास्ते कच्चे थे, चलने के लिए जूते ना होते थे और अंधेरे में चलने से दुश्वारी होती थी, लेकिन आजकल आम लोगों के पास भी सर्दी से बचने के इंतजाम होते हैं, मसलन अच्छे और गर्म कपड़े, छतरियां, जूते, टॉर्च वगैरह। इसलिए इस किस्म के आजार से बगैर शदीद मजबूरी की तर्क जुम्मा और जमात की इजाजत नहीं। हाँ, एहतियाती तदाबीर के तहत वजू घर पर करें, सुन्नते भी घर पर अदा करें, लेकिन फर्ज नमाज बाजमात मस्जिद में ही अदा करें। जरूरत की बिना पर खुतबा और नमाज मुख्तसर कर सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि मुसीबत के वक्त नमाज और मस्जिद का रुख करते थे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।